किसानों की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। मेहनत किसान करता है और फायदा बिचौलिए उठा ले जाते हैं। यकीन नहीं आता तो हम आपको आजमगढ़ की सब्जी मंडी ले चलते हैं, जहां सब्जी उगाने वाले किसानों को महज चंद रुपया देकर उनकी सब्जियां खरीद ली जाती हैं और फिर उसी सब्जी को बाजार में 4-5 गुना ज्यादा दाम में बेचा जाता है। जहां मंडी में किसानों से परवल 10 रुपये खरीदा जा रहा है, वहीं बाजार में परवल 40 रुपये बिक रहा है। भिंडी मंडी में 12 रुपये किलो है तो बाजार में 50 रुपये किलो से ज्यादा का भाव है। अमूमन सभी सब्जियों के साथ यही हाल है। साहब यहाँ बोए हैं, अभी तक थोड़ी कर बोए हैं, अब फिर वो अभी 2 रुपया किलो अभी बेचे हैं नेनुआ। अब कैसे बेचेंगे, यहाँ बिक्री नहीं करेगा तो कैसे बेचेंगे। किसानों का एक अपना भी दर्द है। किसानों का मानना है कि मंडी में आम आदमी इसलिए नहीं आता क्योंकि मंडी में बहुत ज्यादा गंदगी है। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना है, वो प्रयास रहेगा कि उनको उचित मूल्य दिलाया जाए और भी जो कमी आएगी उसको दूर किया जाएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा। गंदगी जैसे बता रहे हैं आप है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो वो मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसकी सफाई कराऊं। मंडी सवेरे से दोपहर तक चलती है, जिसमें रोज लगभग 250 किसान अपनी सब्जी लाकर बेचते हैं और वहीं लगभग 1000 व्यापारी रोज इस मंडी से सब्जी खरीदते हैं। किसानों की सुविधा के लिए इस मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए किसानों ने कई बार पत्र लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसानों की सुविधा के लिए या व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई कागज में जाती है और मूलभूत सुविधा से वंचित, जिसके लिए हम लोगों ने समस्त व्यापारियों ने इसके लिए प्रयास किया लेकिन उस पर नजरअंदाज ही किया जा रहा है। दरअसल किसानों की समस्या को नजदीक से कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की और शायद यही वजह है कि आजादी के 6 दशक बाद भी किसानों के हालात में कोई सुधार नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।